हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ क्लास 10। आज हम कंटिन्यू करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एग्जांपल 2 है टेक्सटबुक का। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द सेम वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जिब्रैकली एंड ग्राफिकली। नोट, यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट इट एल्जिब्रैकली एंड ग्राफिकली। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन निकालने नहीं बोला, सिर्फ व्यक्त करने बोला गया है। तो उसे हम कैसा करते हैं देखते हैं। देखिए अभी हम कैसे थे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ढूंढना है, वो जो आपके सम्स में से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जिससे आप इक्वेशन बना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप जब बार बार इक्वेशन सॉल्व करें, बार बार स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपको ये मालूम हो जाए कौन सा स्टेटमेंट्स जो है, कौन सा लाइन्स आपको लेना है इक्वेशन बनाने के लिए। यहाँ पर हमने ये 2 लाइन लिया है, रोमिला परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। यहाँ में सोनाली परचेज 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स फॉर ₹18। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, रोमिला ने ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा और सोनाली ने ₹18 में 4 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। अब इसमें सबसे पहले हम जाते हैं अजम्पशन में। अजम्पशन मतलब मान लेते हैं कि क्या मानेंगे। हमें पहली बात हमें मानना पड़ेगा कि पेंसिल का कॉस्ट कितना है। तो 2 पेंसिल खरीद, 2 पेंसिल का अगर ₹2 है तो दैट मींस दैट वुड बी 4, उसको ₹4 देने पड़े। अगर दो पेंसिल्स का, एक पेंसिल का दाम अगर ₹3 हो गए तो दैट मींस 2 पेंसिल्स के उसे ₹6 देने पड़ेंगे। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया x तो उसे 2 × x, इसे 2 पेंसिल के लिए उसे इतना देना पड़ेगा। उसी तरह आपका अगर इरेजर्स लो तो एक इरेजर का अगर दाम आपका ₹2 हुआ तो उसने कितना इरेजर्स खरीदा है, 3 खरीदा है, तो 3 × 2 ₹6 उसे देना पड़ेगा। अगर उसने 3 इरेजर्स खरीदा है तो 3 इरेजर्स खरीदा है और हर इरेजर का दाम ₹3 है तो उसे कितने रुपए देना पड़ेंगे, ₹9। ये रुपए है और ये नंबर है, ठीक है। नंबर तो आपका फिक्स है, 3 है बताया गया। अब आपको ये नहीं मालूम है कि इसका जो इरेजर का दाम क्या है, इरेजर का मूल्य क्या है और पेंसिल का मूल्य क्या है, मतलब द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर इज द अननोन क्वांटिटी, सो वी विल अज्यूम दैट। तो अगर हम लेते हैं इसे y, ठीक है, इसका दाम हो गया y, तो उसने 3 खरीदा है तो 3 × y, उसे 3y रुपए देने पड़ेंगे 3 इरेजर्स खरीदने के लिए। तो हम क्या मानेंगे, तो यहां हमें मानना है हमें कि अजम्पशन देख ले, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹6, क्योंकि यही हमारा अननोन क्वांटिटी। एक पेंसिल का दाम अगर मिल जाए तो हम 3 पेंसिल का, 2 पेंसिल के, जितने भी चाहे उतने पेंसिल्स का हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी ₹5। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य ₹X है और एक रबड़ का मूल्य ₹Y है। अब इसका हम इक्वेशन बनाते हैं। रोमिला का जो है, शी परचेज 2 पेंसिल्स, उसने 2 पेंसिल खरीदा तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना x है, तो 2 पेंसिल खरीदा तो उसका पूरा कॉस्ट कितना हो गया ₹2, और उसे कितना इरेजर खरीदा है, 3 इरेजर का, तो और एक इरेजर का दाम कितना है y है, तो 3 × y, तो ये हो गया उसको इरेजर का दाम और ये हो गया उसका पेंसिल का, पेंसिल के लिए जो पैसा दी है टोटल वो पेंसिल का हो गया। अब ये दोनों मिला के वो कितने रुपए दी, वो दे ₹9, ठीक है, शी हैज गिवन ₹9। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सोनाली का देखते हैं।
सोनाली का देखिए, उसे 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स चाहिए, कितना मिले हैं, कितने रुपीस, 18 में. तो दैट मींस शी हैज बॉट 4 पेंसिल, 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 18. अब ये जो है फुल आपका 2 से जाता है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. दिस बिकम्स अ इक्वेशन नंबर 2. आप देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्ट, इट्स एग्जैक्टली सेम. तो आपको किस तरह की रेखाएं मिल, ग्राफिकली आप जब रिप्रेजेंट करेंगे यू विल गेट एट कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं आपको मिलेंगी. इस अभी जो हम क्वेश्चन किए उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. यहाँ पर आप देखिए संपाती रेखाएं मिले, दो इक्वेशंस है, 4x plus 6y equal to 18, 2x plus 3y equal to 9. ये दोनों इक्वेशंस जो है उनके कितने हल होंगे, उनके अनेक हल होंगे, है ना. तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और हमने ऑलरेडी इसका जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने दिखा दिया. अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए. चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स. व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैज बॉट, शी आंसर्ड, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ pants purchased. Help our friends to find how many pants and skirts Champa bought. Hindi medium बच्चों के लिए, Champa एक sale में कुछ pant और skirt खरीदने गई. जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है. सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी है. अब ये सब में आप देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट जो लाइंस है वो मैंने लिखा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. और हिंदी मीडियम में स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है. अब इसमें आप देखिए मेन इंपॉर्टेंट है पैंटों की संख्या आपको जानना है. पैंटों की संख्या आप जानेंगे तब जाके आप स्कर्टों की संख्या निकाल सकते. पैंटों की संख्या की इसलिए देखिए, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो जितने पैंट्स खरीदे हैं उसके हिसाब से आपका स्कर्ट्स का. तो हम क्या करते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि पैंट्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पैंटों की संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैंटों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है स्कर्ट्स की संख्या. ये पैंट्स जितने खरीदे हैं उससे यहाँ पर देखिए 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो इसलिए हमने अज्यूम किया है लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए वो लिखेंगे, मान लीजिए पैंटों की संख्या एक्स है और स्कर्ट की संख्या वाई है. अब यहाँ पर आप देखिए द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, one number of skirt is y is equal to the number of skirt is 2 less than twice the number of pants. Twice the number of pants, मतलब pants की संख्या कितना है, x है, इसका twice 2 गुनी. देखो 2 गुनी, 2 गुनी मतलब 2 से गुना करना, तो 2 गुनी, 2 गुनी से 2 कम है, इससे 2 कम है. 2 less than twice the number, 2 less than twice the number of pants. तो number of pants कितने थे मेरा, x, twice the number of pants हो गया minus 2. तो आप इसको proper way में लिख लेते हैं हम, तो that means हम y को वहां ले जाते हैं, तो 2x minus y minus 2 equal to आपको 0 मिल जाए. तो minus 2 को वहां ले जाइए, तो 2x minus y equal to 2. This becomes your equation number
1, ठीक है। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, यहां में क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है, तो 4 गुनी से 4 का 4 गुनी आप जानते हैं 4 × x, 4 गुनी से 4 कम है, 4 कम है, क्या है, एक किसकी संख्या मिल गई आपको, आपको स्कर्ट की, स्कर्ट की संख्या क्या है आपका, y। तो यू गॉट द अनदर इक्वेशन, दैट इज आप अगर उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो y को वहां लेके जाते हैं, 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना आप जानते हैं, ग्राफिकल मेथड तो हमने सिखाया, तो ग्राफिकली आप सॉल्व कीजिए। इस स्लाइड में देखिए आपको पॉइंट क्यू मिला है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट क्यू एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 1 and 0, दैट इज x इज 1 and y is 0। तो ग्राफिकली इट सीन दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज q 1 0, दैट मींस वी हैव टू राइट इट इन द प्रॉपर वे, इसको सही तरीके से हमें लिखना है, जो हमें अज्यूम किया है वो लिखना है। तो लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी x, तो प्रॉपरली लिखेंगे नंबर ऑफ पैंट्स, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पैंटों की संख्या इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ स्कर्ट, स्कर्टों की संख्या इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। इस तरह आप वाइंड अप करेंगे आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं ये आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सारा आपको करना है, यहां तक तो आपको करना ही है जो मेथड है, उसके बाद आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो मैं मिटा दूंगी ये सारा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। अब हमने देखा था कि ग्राफिकल मेथड में आपको कैसे करना है, तो आप बाकी सारे जितने भी हमने लिखा है हमें वो सब आपको लिखना है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे आपको ग्राफ नहीं बनाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना। ये दो इक्वेशंस है जो हमने बनाया था शुरू में, तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, दैट मीन्स आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, मैं 2x को वहां ले जाती हूँ, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2x, दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x, एक ऐसे मिला। आप ये पूरा का पूरा इक्वेशन को आपने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया, तो y का माइनस हट गया, तो ये दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2, 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो अभी इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है, 4x माइनस y इक्वल टू 4, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो 4y 4x माइनस y की जगह आएगा आपका माइनस 2 प्लस 2x इक्वल टू 4, दैट मींस 4x नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, दैट मींस इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते, इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यों, 4 में पॉजिटिव है एंड 2 इज नेगेटिव, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट विल वी गेट, 2x इक्वल टू 4, 2 को वहां लीजिए तो माइनस 2, दैट मींस 2x इज इक्वल टू 2, दैट मींस x इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू फाइंड y, तो y हमें कैसे मिलेगा, आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, तो आप इस तरह से लिख लेंगे, तो यहां में इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपका, यहां पर है, दैट मींस y इक्वल टू
y equal to minus 2 plus 2x. That means minus 2 plus 2 into x ki jagah hum kya likhenge? 1. That means what do you get? Minus 2 plus 2. That is equal to 0. Again you have got the same answer. Substitution method se bhi wahi mila. Graphical method. Ye maine do tarah ka method kara hai. क्वेश्चंस में आपको पूछा नहीं जाता दो तरह का मेथड, मैंने एक ही क्वेश्चन से दो मेथड का। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिसमें एक ही मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब स्लाइड नंबर अगला स्लाइड देखिए, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसका सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्कस करके आपको इसका इक्वेशंस बता दूंगी, बाकी ग्राफिकली आप खुद आप इसको दिखाएंगे, ग्राफ आप खुद बनाएंगे। तो फर्स्ट इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इज़न्ट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए, जैसा हम हमेशा करते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो हमने लिख लिया ताकि इक्वेशन बनाने में हमें आसानी हो। अब इसमें हम पहले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे, एक सिंपल सा एक हम सिचुएशन लेते हैं। अब आप क्लास 10th में, मे बी आपका उम्र होगा अभी 15 साल, ठीक है, 15 साल आपका उम्र होगा। अब 7 वर्ष पहले पूर्व, पहले या पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आपका आयु कितना था? 15 minus 7, दैट मीन्स कितना था आपका आयु? 15 minus 7, 8 years के थे आप, ठीक है। आज से अगर 3 साल बाद आप देखो तो आप क्या करेंगे? 3 वर्ष बाद आपका आयु क्या हो जाएगा? 15 के साथ में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18 years। 18 years मतलब आप वोट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, ये सिंपल लॉजिक है, 7 वर्ष पहले आपको देखना, तो आपका जो प्रेजेंट एज है उसमें से आप 7 को माइनस करेंगे, और अगर 3 साल बाद आपको लेना है तो 3 साल आप उसके साथ में प्रेजेंट एज के साथ में जोड़ेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एज आपका हुआ x, तो आपका 7 वर्ष पहले आपका एज कितना था होगा? x माइनस 7, है ना, और 3 साल बाद आपका एज कितना होगा? x प्लस 3। तो यही कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, इसी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमने इंपॉर्टेंट लाइंस तो हमने लिख लिया, तो अब सबसे पहला नेक्स्ट काम क्या है? हमें इसका जो है अजम्पशन लेना, अज्यूम कर लेते हैं। मैं अजम्पशन कर लिया यहाँ पर, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज मतलब आज जो उसका आयु है उसके बारे में लिखा है x years and daughter's present age भी y years। मान लीजिए आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और बेटी का वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे 7 years ago अगर आप पहले आफ्ताब का आयु लेंगे तो x माइनस 7 हो गया, और अगर आप उसकी बेटी का आयु लो तो दैट इज y माइनस 7, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन जो है इस लाइन में दिया, 7 years ago I was 7 times as old as you, ये आफ्ताब का आयु है, ये उसकी बेटी का आयु है। यहां में देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु यहां मिला है और ये बेटी का आयु मिला। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब बेटी का 7 गुनी आयु का था। कौन था? आफ्ताब। आपको ये समझ आया? x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो आप ले आइए इस 7y को इस साइड, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, माइनस 7 वहां जाएगा तो यू विल गेट प्लस 7। तो व्हाट विल यू गेट? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। अब इक्वेशन 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, ये है ना, अब से 3 वर्ष बाद मैं आफ्ताब क्या कहता है? मैं तुम्हारा जो आयु है उसका 3 गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाए। तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 3, और बेटी का आयु भी क्या हो जाएगा? y प्लस 3। अब आफ्ताब बोलता है कि बेटी का आयु का कितना गुना हो जाएगा? 3
तीन गुना, मतलब तीन से इसको गुना करो तो आपको क्या मिल जाएगा, हफ्ता आपका आयु, दैट मींस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन। तो आप यहां ले आइए, तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, तो व्हाट विल यू गेट, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब इसको आप ग्राफिकली आप खुद बनाएंगे, आपको पॉइंट्स निकालना आपको आता है, मैंने आपको सिखाया है पॉइंट्स निकालने, ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप देखिए किस टाइप का ग्राफ इसका बनता है। हमने दोनों तरह से अल्जेब्रिकली मैंने करके दिखाया, ग्राफिकली आप करके देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज 3,900, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1,300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकली एंड एल्जेब्रिक, मतलब कि ग्राफिकली ही आपको दिखाना है। फिर नेक्स्ट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में तीन बल्ले तथा छह गेंदे खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की तीन गेंदे रुपए 1,300 में खरीदी, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका वो जो चंपा वाला जो हम क्वेश्चन कर दे, पैंट और स्कर्ट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस जस्ट फटाफट आपको बता देते हैं, आप खुद करेंगे, मैं इसमें आपको कुछ भी करके नहीं दिखाऊंगी, आप खुद ही करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो मेन सेंटेंसेस से क्या है, थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज 3,900 रुपए, 3,900 रुपए में तीन बल्ले और छह गेंद। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको बल्लों और गेंदों की संख्याएं दिए, आपको क्या नहीं दिया, उसका मूल्य नहीं दिया, यू आर नॉट गिवन द कॉस्ट ऑफ बॉल्स एंड बैट। सो व्हाट विल यू अज्यूम, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी x रुपीस x, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी रुपीस y, यू कैन इंटरचेंज ऑल्सो, ऐसा कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बॉल का ये आप कॉस्ट x लो, आप बैट का कॉस्ट भी x ले सकते हैं। तो आप वैसा अज्यूम करके आप उसका इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद में आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर टू का ही जैसा है, द कॉस्ट ऑफ टू केजी ऑफ एप्पल्स एंड वन केजी ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ फोर केजी ऑफ एप्पल्स एंड टू केजी ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द मेन सेंटेंसेस टू फॉर्म द इक्वेशन, दैट विल हेल्प यू टू फॉर्म द इक्वेशन एंड फॉर्म टू इक्वेशंस एंड फर्स्ट go for the for assumption, that is the quantity of apples is given but the cost of apple is not given and cost of grape is also not given, this is a hint for you, you can do it further, okay। Hindi medium bachchon ke liye 2 kg sab aur 1 kg angur ka moolya kisi din 160 rupaye tha, ek mahine baad 4 kg sab aur 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आप इस प्रश्न में देखिए, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपए 160 रुपए, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन के लिए जो सेंटेंस चाहिए वो हो गया, और दूसरा इक्वेशन के लिए जो सेंटेंस है वो क्या होगा, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा 300 रुपए, ये दूसरा इक्वेशन के लिए सेंटेंस हो गया। अब इसमें आपको सेब का जो है वेट दिया हुआ है 2 केजी दिया हुआ है और अंगूर का वेट 1 केजी दिया, लेकिन इसमें क्या चीज क्या नहीं दिया हुआ है, सेब का मूल्य नहीं दिया हुआ। तो आप अज्यूम वही करेंगे, सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य अज्यूम करेंगे, उसको मानेंगे, उसके बाद आप इसे करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। Come to exercise 3.2. Form the pair of linear equations in the following problems and find the solutions graphically. You have to find the solutions graph. Earlier you had to represent it, but now you have to find the solution. I've already taught how to find the solution. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took
part in the quiz. Now you can see the sentences. There are two sentences. 10 students of class 10 took part in a mathematical quiz. Just take a note of this line. Here you know ki in a class you have got boys and girls. So total number of students is 10. So the number of boys plus number of girls is 10. Okay. So you got the first equation. And now the second equation. If the number of girls is 4 more than the number of boys. The number of girls is 4 more. If the now suppose you you take the number of girls to be x and number of boys to be y. It's your assumption. Okay, no problem. In this, what happens? The number of girls is x, isn't it? It's 4 more than the number of, that means y plus 4. That is x is equal to y plus 4. I've already given the equation. You have to find the solution by solving it graphically. Hindi medium bachchon ke liye, kaksha 10 ke 10 vidyarthiyon को एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया. यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए. इसमें आपको दो सेंटेंसेस मिल गए जिससे आपको समीकरण बनाना है. कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की एक गणित की तो कक्षा 10 में कितनी विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी. मतलब कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर 10 है. अगर लड़कियां x है और लड़के y है तो x plus y आपका is equal to 10 आ जाए. तो पहला आपको सेंटेंस से मिल गई इक्वेशन. और सेकंड सेंटेंस कौन सा है अभी आपका? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है. तो लड़कियों की संख्या हमने क्या लिया था? x. तो x is equal to लड़कों की संख्या कितना? y. y से 4 अधिक मतलब y plus 4. तो x is equal to y plus 4. दूसरा इक्वेशन भी आपका हो गया. अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे और सॉल्व करेंगे. अगला स्लाइड आप देखिए. यहाँ पर 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है तथा जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है. एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए. तो ये हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किया है. ये क्वेश्चंस आपका जैसा हमने काफी सारा बैट का क्वेश्चन किया है तो वो क्वेश्चन भी इसी टाइप का है आपका. तो आप ये क्वेश्चन जो है बस उसी तरीके से आपको करना है. एग्जाम्पल 2 भी हमने करवाया था. उस एग्जाम्पल 2 के हिसाब से भी जहां में हमने इरेजर और पेंसिल्स का सम हमने सॉल्व किया था बस उसी तरीके से आपको ये भी करना है. अगला स्लाइड देखिए. प्रश्नावली 3.3 में फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इसमें आप पहले आप ग्राफिकली करना था अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. तो फाइंड देम. यहाँ पर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है उन्हें ज्ञात कीजिए. अब यहाँ पर अगर आप दो संख्याओं को अगर आप लेते हैं एक संख्या एक्स है दूसरा संख्या वाई है तो दोनों का डिफरेंस या अगर आपका एक्स बड़ा है वाई छोटा है तो एक्स माइनस वाई आपका 26 हो गया. तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो वन नंबर उनसे कौन सा होगा जो बड़ा नंबर है. तो एक्स वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स वाई. दैट मींस एक्स इज इक्वल टू 3y. तो इक्वेशंस आप बना लेंगे. बनाने के बाद आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए दो संख्याओं का अंतर जो है आपका 26 है. दैट मींस अगर एक संख्या x है दूसरा संख्या y है और x बड़ा है y से तो x माइनस y आपका 26 हो गया. तो पहला इक्वेशन बना पहला लाइन से. अब दूसरा इक्वेशन आपका एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है. तो x जो है बड़ा संख्या तो x इज इक्वल टू y का 3 गुणा. दैट मींस x इज इक्वल टू 3y. तो दो इक्वेशन बन गए. तो ये भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. अब अगला स्लाइड देखिए. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. फाइंड देम. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए. ये सब मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देती हूं.
अब ये क्वेश्चन आप देखिए, आपको ये एक लाइन मिला, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसमें क्या है, संपूरक कोण, दोनों संपूरक, संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोण संपूरक कब होते हैं, दो कोण संपूरक तब होते हैं जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री है। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। जस्ट हमारा ऑपोजिट क्या है, पूरक कोण, पूरक कोण में क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ते तो हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब व्हेन वी ऐड टू एंगल्स, द मेजर ऑफ टू एंगल्स इफ वी गेट 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ हियर यू हैव गॉट सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां में अजम्पशन आप जानते हैं, मानेंगे क्या, मान लीजिए लेट द टू एंगल्स बी x एंड y, ठीक है, तो x एंड y ले लिए, तो वो आप यहाँ अज्यूम करेंगे, मान लीजिए जैसा हिंदी मीडियम बच्चे लिखेंगे, मान लीजिए दो संपूरक कोण x और y है, और इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y। तो पहला चीज के सप्लीमेंट्री वर्ड में हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, दैट मींस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें ये आप समझिए और कीजिए, अब द लार्ज, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से जो है 18 अधिक है, तो अगर बड़ा कोण अगर हम x लेते हैं, तो x डिग्री है, x डिग्री ले लेते हैं, तो छोटा कोण से बड़ा कोण कितना है 18 अधिक, तो छोटा कोण आपका y डिग्री है प्लस 18 है, तो ये आपका दो इक्वेशन बन, इसको आप सॉल्व करिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y निकाल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस स्लाइड में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदे, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपए में खरीदे, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, इसका सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं, दैट व्हाट व्हिच वाज द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, तो आप उसी प्रकार इसे भी आप करेंगे। अब ये स्लाइड देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, टैक्सी में हम चढ़कर बैठते हैं तो हम एक फिक्स चार्ज दें, कभी 10 रुपए कुछ जगह में 15 रुपए, बैठो अब पास कहीं जाना तब भी हमें देना पड़ता है, तो उसे आप को बोलते हैं फिक्स चार्ज या तो नियत भाड़ा। तो हमें दो अलग तरह का भाड़ा है, एक तो नियत चार्ज, तो हम इसे अगर अज्यूम कर लेते रुपीस एक्स, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, एक किलोमीटर के लिए आपको देना होगा रुपीस वाई, ठीक है, ये दोनों हमारा अननोन क्वांटिटीज, ये पता लगाना है। अब यहां में ये बताया गया है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, तो इसमें जो है आपको एक नियत भाड़ा तो देना है, नियत भाड़ा आपका कितना एक्स है, प्लस आप कितना किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, तो किलोमीटर का 4 रुपए है, तो आप जो है ए रुपए हो गया, तो एक किलोमीटर का 4 रुपए, अगर आपका 5 किलोमीटर हो गया तो 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20 रुपए हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपका 12 जो है बाई है,
एक किलोमीटर के लिए, ठीक है, एक किलोमीटर के लिए y है, तो आपका जो है अब यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 into y, that is equal to 10y, तो हम लिख सकते हैं आपका नियत बड़ा हो गया, that is fixed rate हो गया, अब आपका 10 किलोमीटर के लिए 10y, ठीक है, that is equal to पूरा कितना दिया उसने 105। उसी तरह आप बाकी भी अगला इक्वेशन भी आप बनाएंगे, आप जानते हैं कैसे बनाना, मैंने आपको यहाँ पर जस्ट आपको बताया, हिंट्स दिया है, और उसके बाद आप कैलकुलेट करके आप इसका जो कैलकुलेशंस पूरा करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई निकालेंगे, उसके बाद आप 25 किलोमीटर का भी बड़ा, अच्छा 25 किलोमीटर का बड़ा कैसे होगा, आप अगर इसमें ग्राफ एल्जेब्रिकली अगर आप लिखेंगे तो फॉर 25 किलोमीटर आपका बड़ा क्या होगा, x प्लस 25y, तो यहां पर आप x और y का मान ज्ञात करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस एंड यू विल फाइंड द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। अब ये स्लाइड देख लीजिए, पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, यदि किसी बिन के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह बिन ज्ञात कीजिए। एक्चुअली ब्लैकबोर्ड में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझता बाकी से, तो यहाँ पर आपका भिन्न है, भिन्न में क्या होता है आपका अंश और हर, फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर या अंश, और नीचे जो नंबर लिखा रहता है एक फ्रैक्शन में उसको डिनोमिनेटर या तो हर लिख, तो हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम बहुत ईजी अजम्पशन, x by y, let the fraction be x by y, मान लीजिए बिन x by y है, तो अब यहां में हम ये एक आपको करके दिखाएंगे, ये आप खुद करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x by y है, ये क्या बन जाता है आपका 9/11, कब बनता है आपका 9/11, if 2 is added, जब आपका अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी जोड़, 2 is added to both numerator and denominator, बिन के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं, तो दोनों में आप अगर 2 जोड़ते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। अब इसको आप कैसा करेंगे, तो हम यहां में क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 is equal to 9 into y plus 2. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 11x plus 22 equal to 9y plus 18. ठीक है, तो y को यहाँ लेके आ जाएंगे, 22 को वहां ले जाएंगे, तो 11x plus 9y आ जाएगा, तो minus 9y हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका 18 है, तो plus 22 को वहां लेके जाएंगे, तो you'll get minus 22. तो ये क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन, पहला इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, 11x minus 9y equal to 18 minus 22, that means minus 4. This becomes your equation number 1. अब equation number 2 आप इसी तरह बनाएंगे, इसमें क्या है, if 3 is added, मतलब 3 को आपको अंश के साथ, हर के साथ, दोनों के साथ आपको जोड़ना है, तो आपको 5/6 मिल जाए, तो आप इसका equation बनाएंगे और दोनों equation को substitution method यानी प्रतिस्थापन विधि से solve करेंगे, solve करके आप x and y निकालेंगे और आपको answer जैसे मैंने बताया, the given required fraction is equal to x and x by y equal to आपको वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना x एंड y का और आपको आंसर लिखना है, और हिंदी मीडियम बच्चे भी वैसा ही इसका आंसर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है आज का, 5 years hence means 5 years after from today, 5 years after today, ठीक है, 5 years from hence मतलब आज के बाद 5 साल, ठीक है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son, 5 years ago मतलब 5 साल पहले Jacob's age was 7 times that of his son, what are the present ages, so from present age को आप assume करना, you have to assume the present ages, maybe you can assume the age of Jacob, present age of Jacob to be x and the present age of his
his son to be Y. So you can 5 years hence, that is after 5 years, Jacob's age will be X plus Y and son's age will be Y plus Y. You can make the equation from the first sentence, the first equation will be formed, and from the second sentence you can form the second equation. Hindi medium bachchon ke liye, 5 varsh baad Jacob ki ayu uske putri ki ayu se 3 guni ho jayegi. 5 varsh purv Jacob ki ayu uske putri ki ayu ki 7 guni thi. उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए. आप यहाँ मानेंगे कि जेकब का वर्तमान आयु X है और पुत्र का वर्तमान आयु Y है. 5 वर्ष बाद, मतलब आज से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाए, जेकब का आयु X प्लस Y और पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, Y प्लस Y. फिर आपका जो पहला सेंटेंस है उसे आप पहला इक्वेशन बना सकते हैं. और जो दूसरा सेंटेंस है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी. मतलब जेकब का आयु 5 वर्ष पूर्व क्या था, आज उसका आयु X है, तो 5 वर्ष पूर्व उसका आयु कितना था, X माइनस 5 और पुत्र का आयु क्या था, Y माइनस 5. उस आप सेकेंड सेंटेंस से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. आपने आफ्ताब का जो हमने एक सम किया था, आफ्ताब और उसकी बेटी का, बस उसी तरह है ये सम आप खुद करेंगे. ओके बच्चों, आज हमने काफी सारा सम्स किया था, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स काफी सारे किए, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में हमने सम्स किए थे. अब इन सम्स को मैंने समझा दिया है, कुछ सम्स मैंने आपको दोनों ग्राफिकल मेथड एंड प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके भी दिखाया है. आपने देखा होगा ग्राफिकल मेथड से जो आंसर आता है वही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से भी आपका वही आंसर आया था. तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे सम्स आप कर लेंगे. आपको अगर कोई भी डाउट है आप अपने कंसर्न टीचर्स को कॉल करें, उनके व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कीजिए और उनसे आप डाउट्स क्लियर कीजिए. अगर नहीं हो पाता है, अगर आपके टीचर्स अवेलेबल नहीं है, नहीं कर पाते, आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन पहले आप अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करिए, हर टीचर तैयार है आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए. ऑल द बेस्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास टुडे. स्टे सेफ एंड टेक केयर.